सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी विंडोज़ 10 की जो डिस्प्ले की जो सेटिंग्स रहती हैं उसको कम्प्लीटली कैसे रीसेट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको रीसेट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं है दोस्तों, जिस पे क्लिक करके आप सारे विंडोज 10 डिस्प्ले की सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए आपको जो है दोस्तों आपकी सेटिंग्स को रीसेट करना पड़ेगा, जैसे कि डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है, डिस्प्ले के जो टेक्स्ट के जो साइज़ है, स्केलिंग है वगैरह वगैरह। तो आपको हर ऑप्शन को जो है दोस्तों पर्टिकुलर रीसेट करना पड़ेगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इस वीडियो को लास्ट तक केयरफुली वॉच कीजिए, एक भी ऑप्शन एक भी मेथड मत मिस कीजिए। तो इसके लिए विंडोज़ की होल्ड कीजिए और आई प्रेस कीजिए। सबसे पहले जाइए विंडोज़ सेटिंग्स में। विंडोज़ सेटिंग्स में आपको जाना है पर्सनलाइजेशन में। सबसे पहले हम जो है दोस्तों थीम को रीसेट करेंगे। तो पर्सनलाइजेशन में आपको जाना है थीम्स में, और थीम्स में जो है दोस्तों आपकी जो भी डिफ़ॉल्ट थीम रहती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज़ 10 की जो विंडोज़ लाइट थीम है या फिर जो विंडोज़ फ्लावर की थीम है, ये आप इसमें से कोई भी एक जो है अपने थीम को यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपकी थीम जो है दोस्तों डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगी। थीम्स के बाद जो है दोस्तों आप जाइए कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद कलर्स में जो है दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी डिफ़ॉल्ट कलर रहता है, ज़्यादातर तो जो है दोस्तों ब्लू कलर ही रहता है, वो आप सेलेक्ट कीजिए। और जैसे कि मेरे पास पहले से ही सेट है। उसके बाद जो है दोस्तों आप जाइए बैक। बैक जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है सिस्टम में। विंडो सेटिंग्स में ही आपको जाना है सिस्टम में। सिस्टम में जो है दोस्तों डिस्प्ले सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है दोस्तों आपकी जो स्केल है, लेआउट है, और डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, डिस्प्ले ओरिएंटेशन है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सेट करना है डिफ़ॉल्ट। तो इसको एक्सटेंड कीजिए और जो भी रिकमेंडेड सेटिंग रहती है दोस्तों आपके स्केल की, वो आपको सेलेक्ट कीजिए। इसी तरीके से डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी, इसका जो भी रिकमेंडेड रेजोल्यूशन रहता है वो आपको सेलेक्ट करना है। डिस्प्ले ओरिएंटेशन में जो है दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है लैंडस्केप, दैट्स इट। उसके बाद जो है दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट जो है नाइट लाइट मोड जो रहता है वो ऑफ रहता है, अगर ऑन है आप इसको ऑफ कीजिए। ऑफ करने के बाद फिर से जाइए विंडोज सेटिंग्स के होम स्क्रीन पर, और उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों ईज ऑफ एक्सेस में इस तरीके से। और यहाँ से जो है दोस्तों ईजली आपके जो फॉन्ट साइज़ रहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज द साइज ऑफ ऐप एंड टेक्स्ट ऑन द मेन डिस्प्ले, ये भी जो सेटिंग है इसकी जो रिकमेंडेड सेटिंग रहती है वही आपको यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास हाई कॉन्ट्रास्ट मोड इनेबल है, तो अगर आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट से जो ऑफ रहता है, अगर आप ऑफ करना चाह रहे हैं, लेफ्ट पैनल में हाई कॉन्ट्रास्ट मोड देख सकते हैं, उसको ओपन कीजिए, यहाँ से आप उसको ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपके विंडोज 10 डिस्प्ले में मैग्नीफायर मोड इनेबल है, तो आप मैग्नीफायर मोड में जाइए। अगर वो इनेबल है तो यहाँ से आप इसको ईजिली डिसेबल कर सकते हैं। मैग्नीफायर में ही जो दोस्तों अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसका जो जूम लेवल है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसकी, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। तो उसके बाद जो दोस्तों लास्ट, अगर आपके विंडोज 10 में टैबलेट मोड भी इनेबल है, तो टास्क बार में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन सेंटर का आइकन, उसको ओपन कीजिए। यहाँ से टैबलेट मोड को जो दोस्तों आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो डिसेबल रहता है, आप उसको डिसेबल कीजिए, दैट्स इट। तो इस तरीके से दोस्तों आप कम्प्लीटली जो है आप अपने विंडोज 10 डिस्प्ले सेटिंग्स को जो है दोस्तों इस मेथड से कम्प्लीटली रीसेट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं।